ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक क्या है ये ग्राफ, जो हार्ट की एक्टिविटी है ना उसका एक ग्राफ मिलता है ना, पतली सी पत्ती के रूप में ऊपर नीचे जाते रहते हैं, वो है ये। ऐसे 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 ये जो है इस तरह से जो ग्राफ मिलता है वो है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या है, जो हार्ट की एक्टिविटी है उसके नोटिस किया जाता है कि किस तरह से सिस्टोल डायस्टोल प्रॉपरली है कि नहीं है, कितने टाइम में हो रहे हैं। तो ECG एक ECG फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब मिल रहा है ग्राफ के फॉर्म में किसका, ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल में हार्ट में से जो एट्रिया और वेंट्रिकल उसका सिस्टोल और डायस्टोल होता है, सिस्टोल एंड डायस्टोल एट्रिया और वेंट्रिकल चारों का एक बार होती कार्डिक साइकिल। टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेशेंट को कनेक्टेड किया जाता है मशीन से विद थ्री इलेक्ट्रिकल लीड्स जो कंटिन्यूसली मॉनिटर करती हैं हार्ट की एक्टिविटी। ईच पीक इन द ECG इज आइडेंटिफाइड विद द लेटर PQRST। ये अलग अलग एक्टिविटी दिखाते हैं जैसे PQRS और फिर T। जो P रिप्रेजेंट करता है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या ऐसे कहते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, जिससे कि वो कॉन्टैक्ट होता है और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है। तो पी वेव रिप्रेजेंट करिए कि इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, बोथ एट्रिया। पी वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, जैसे कहेंगे डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया दिस जो लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ द बोथ द एट्रिया, जिससे कंट्रक्शन होता है। और QRS जो कॉम्प्लेक्स है QRS, ये ऊपर QRS, ये रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन होगा, वेंट्रिकल्स में कंट्रक्शन होगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन और एओर्टा में, जैसे पल्मोनरी वेन जाएगा लंग्स के पास और एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में। कंट्रेक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, मतलब पी से शुरुआत हुई टी पे ख़त्म हुई कहानी, एक साइकिल पूरी हो गई। पी से इनिशिएशन शुरू हुआ, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, QRS से फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और टी में वेंट्रिकल जो एक्साइटेड हुए नॉर्मल स्टेट में आ गए। नॉर्मल स्टेट कहते हैं रीपोलराइजेशन। दिस इज द एंड ऑफ सिस्टोल। एक पूरी कार्डिक साइकिल दिखाता है एक ही स्ट्रक्चर, ऐसे ही एक मिनट में 72 टाइम्स होंगे, तो ऊपर नीचे जितना हो रहा है वो हार्ट की जो कंडीशन है उसे दिखाता है फिर वो।